बागेश्वर अस्पताल की व्यवस्थाओं का रात में मुआयना करने के बाद जब न्यूज 31 उत्तराखंड की टीम ने आम लोगों से इस बारे में राय लेनी चाही तो क्या कहना है बागेश्वर की जनता का, जरा आप भी देखिए। बागेश्वर जिला अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर आपकी क्या राय है? इसको अस्पताल कहना गलत होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि रिफर सेंटर ज़्यादा है। अच्छा, अस्पताल कहना क्यों गलत होगा? आप कहीं भी देख लीजिए, सबसे पहले प्राथमिकता होती है कि पेशेंट की, डॉक्टर की सबसे अच्छे से बोलना, उससे बात करना, उसके बाद उसको समझाना, फिर जाके उसको रिफ़र करना। सुविधाओं के बारे में बात करें तो जहाँ तक मुझे लगता है तो सुविधाएं तो है नहीं। डॉक्टर भी कभी तो टाइम पे, मुझे तो नहीं लगता कि कभी टाइम पे पहुँचते होंगे, हमेशा आधा घंटा एक घंटा इतना तो लेट होता ही है उन्हें। जब मेरे टाइम पर डिलीवरी हुई थी तो तब भी डॉक्टर टाइम पर नहीं पहुँचे थे, और जो आशा और NM वगैरह होते हैं वो लोग डिलीवरी करते हैं। लंबे समय से बदहाल चल रहे अस्पताल की सुविधाओं को लेकर लोग अब भी परेशान हैं। जब हमारी टीम ने यहां के युवाओं से अस्पताल की सुविधाओं के बारे में पूछा, लोग इस बदहाली पर साफ बोलते नजर आए। चाइल्ड वाला डिपार्टमेंट है, उसमें थोड़ा बहुत यहां पर जो जिला अस्पताल में है गंभीर रूप से जो महिलाओं को एक अस्वस्थ रूप में, जो स्वस्थ रूप भी होती है, तो वहाँ पर को जाके उनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था। अंदर जाके कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे वो उनका ट्रीटमेंट अच्छे से किया नहीं जाता है। आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर सुविधा होनी चाहिए, डॉक्टरों की अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, हर चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, और रही बात गरीब आदमी को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। राज्य बनने के 20 साल बाद भी बागेश्वर जिले का ये मुख्य अस्पताल लोगों को सुविधा मुहैया नहीं करा पा रहा है, जिसके चलते लोग सुविधा के लिए आज भी तरस रहे हैं। अब देखिए कि जिले की महिलाओं का क्या कहना है अस्पताल की सुविधाओं को लेकर। किस तरीके की व्यवस्थाएं आपको मिली वहाँ पे, कितनी सुविधाएं मिली आपको डिलीवरी के दौरान? सुविधाएं कमी मिल पाई वहाँ पे, मतलब गंदगी थी और बेड की व्यवस्था भी मिली थी, सुविधाएं कम ही मिल पाई। समस्या तो वहाँ बहुत थी मैम, जैसे ब्लड की ज़रूरत तो थी, ब्लड वहाँ था नहीं, तो इस मारे यहाँ से रिफ़र करना पड़ा। चलो डिलीवरी तो हो जाती है हाँ, लेकिन यहाँ बच्चे के लिए NICU में कोई सुविधा नहीं थी, क्यों NICU में सुविधा होनी चाहिए, लेकिन गर्भवती महिला इतने दूर दूर तक इतना बड़ा मतलब वो लेकर नहीं जा सकती है। अभी तो यहाँ ऐसी व्यवस्था कुछ नहीं है, यहाँ बागेश्वर में कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं हॉस्पिटल में। हम लोग जाते हैं तो थोड़ी हमको टेस्ट के लिए भेजते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ टेस्ट रिपोर्ट लाने तक, और तब तक डॉक्टर चले जाते हैं, फिर हमको दूसरे दिन फिर वेट करना पड़ता है, फिर वहाँ फिर जाना पड़ता है। और तो तब तक जैसे डिलीवरी वाली महिलाएं यहाँ आती हैं तो उनके लिए डॉक्टर भी टाइम पर उपलब्ध नहीं होते हैं, रोका जाता है। किसी को तो वहाँ आने में जैसे ही प्रसव पीड़ा से पीड़ित होते हैं तुरंत उनको इलाज नहीं मिल पाता है। तो लोगों के इस ओपिनियन से आप समझ ही गए होंगे जीरो टॉलरेंस वाली सरकार के राज में अस्पताल का क्या हाल है। हर खबर में होगी हमारी नजर, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।